लिए जिस श्रावण का हम लोग पान कर रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं, जिस श्रावण मास में, उस चातुर्मास में ऋषि मुनियों ने एक संकल्प ले रखा था अधिकतर ने कि वो चार महीने ये बरसात वाले वर्षा ऋतु के अपने आश्रम पर नहीं रहते थे। वो कहाँ जाते थे? इधर उधर किसी गांव का चयन कर लेते थे और चार महीने वहां रहते थे या घूम घूम करके लोगों के बीच में चर्चा करते थे। आठ महीने रहते थे आश्रम पे और चार महीने घूमते रहते थे। हमारे जो वानप्रस्थी लोग थे वो आठ महीने तो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। जो गुरुजन होते थे गुरुकुलों में उनसे पढ़ते थे, विद्यार्थियों को अपनी जो उनके पास विद्यार्थी थे वो सिखाते थे। जैसे एक किसान व्यक्ति है, वो खेती बाड़ी बहुत अच्छे से करनी जानता था, लेकिन बेटे का भी बेटा पैदा हो गया, परंपरा थी कि भाई घर छोड़ करके वानप्रस्थ लेना है तो किसी गुरुकुल में चले गए। और वहां गुरुकुल में जाने के बाद में जो उनको खेती बाड़ी के गुण आते थे वो वहां विद्यार्थियों को सिखाते थे। तो विद्यार्थियों के पास केवल एक ही विषय नहीं होता था, ऐसे अनेकों वानप्रस्थी जाते थे, वो अपने अपना गुण उनको दे देते थे। तो गुरुकुल के विद्यार्थियों को खेती बाड़ी भी उच्च स्तर की आती थी, वो और अन्य सब विषयों को जानने वाले होते थे, ये परंपरा चलती थी। लेकिन वो जो वानप्रस्थी होते थे ना, वो कहते थे गुरुजी आठ महीने तो रह लिया आपके पास, अब चार महीने चले जाते हैं किसी रिश्तेदारी में या गांव में, वहां क्या काम करेंगे? वहां अपने परिवार के लोगों का उत्थान करेंगे। तो वो कहते थे भैया आ जाओ, प्रतिदिन कथा चलेगी और शाम को बैठ करके कथा होती थी, पूरा गांव बैठ के सुनता। हमारे यहाँ कहानियों से किस्से से भरी पड़ी है पुस्तकें, जहां ये प्रमाण मिलते हैं कि ऋषि मुनियों ने गांव गांव जाकर के सत्संग किए। और मैं आप लोगों से गांव का लोग सुनते थे, जब साढ़े तीन महीने हो जाते थे, शास्त्र जी बता रहे थे ना, तो वो जो पिताजी थे जो आए सत्संग करने के लिए वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, तो वो जाते थे वापस तो बच्चे कहते थे पिताजी कपड़े फट गए। बोले फिर क्या करें? नए कपड़े ला देते हैं आपको। नए कपड़े ला दिए, नए जूते ला करके दे दिए, नए छाता दे दिया, नया उनको डंडा दे दिया, ये सब चीजें नई उनको ला करके दे दी। ठीक है, कौन से दिनों में? जब श्राद्ध पक्ष चलता है हमारे यहाँ। वैसे हमारे यहाँ श्राद्ध तो सदा होता है, सदा होना चाहिए। कई वर्ष पहली बात है, मैं हापुड़ आर्य समाज में कार्यक्रम था यही सात दिनों का, तो हम किसी के घर भोजन करने गए तो बहन जी ने आम खिलाए भोजन के बाद में, कहने लगी ये बहुत बढ़िया आम है, 1000 रुपए दर्जन मिला इकट्ठी। खिलाने के बाद में जब हम चले तो मेरी आदत है किसी घर में जाओ तो 2 मिनट कुछ बोल दो। तो हम उनको थोड़ा उपदेश देके जब चलने लगे तो मैंने कहा बहन आपका बड़ा धन्यवाद, आपने हमारा श्राद्ध किया। बस इतना कहते तो वो कहने नहीं, नहीं हमने श्राद्ध नहीं किया आपका, आप तो जिंदे हो। मैंने कहा जीवित का ही तो श्राद्ध होता है, हमारे का नहीं होता। बोले कैसे? मैंने कहा सुन लो, श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। पूछो विद्वानों से श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम क्या है, बोलो जरा। और श्रद्धा क्या है ये भी सुन लो। सत्य में धारणा रखने को श्रद्धा कहते हैं, झूठ में धारणा रखने को श्रद्धा बोलो नहीं कहते, क्योंकि झूठी जो श्रद्धा होती है बड़ी जल्दी टूट जाती है। और ये मेरे पास में मोबाइल है, ठीक है, तो मैंने इसको अगर मान लू, मैं मेरी श्रद्धा है जी, मैं तो इसको फोर व्हीलर मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया, तो ये फोर व्हीलर का काम करेगा क्या? अरे हाँ ना तो करो। अच्छा हमारे पौराणिक भाई क्या कहते हैं, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, मानो तो गंगा जी, नहीं मानो तो बहता पानी। मैंने एक पूरा ट्रैक तैयार किया मानने के ऊपर, कभी विषय भी अभी अवसर आएगा तो आप लोग सुनिएगा पूरा विषय। मैंने पुस्तक लिखी माता इसी के ऊपर, मानने के ऊपर। लोग कहते हैं मान ले, मानने से सब कुछ होता है। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। मेरा साथी कहने लगा, एक मित्र कहे देखो भगवान है इसको मान लो मंदिर। मैंने मान लिया, कहे हाथ जोड़ो, मैं जोड़े, बोले गर्दन झुको, मैं झुका दी। कह लगा देख भाई एक बार तूने मनवाया, मैंने मान लिया, अब मैं बोलूंगा तुझे मानना पड़ेगा। कह लगा जी हाँ ठीक है। मैंने कहा अब तो मुझे नरेंद्र मोदी मान ले थोड़ी देर के लिए, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान ले। कह लगा कैसे मान लू? अरे मान लो, मानने से क्या बिगड़ जाए तेरा, अब सुनो बिगड़ेगा क्या? ये सुन लो, ये क्या है मोबाइल फोन, मैंने इसको मान लिया फोर व्हीलर। मैं सबको बोलता हूँ मेरे पास फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर मैंने सबको बोल रखा है, ठीक है। लेकिन पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है और उसके घर में किसी के पेट में दर्द हुआ रात को 1 बजे और उसने दरवाजा खटखट किया, भाई साहब बोले आप
डॉक्टर के पास चलना है। मैंने कहा भाई जाओ चले जाओ। कह लगे नहीं कैसे चले जाए, साधन कोई नहीं है। हमने कहा भाई फिर साधन का अरेंजमेंट करो। कि नहीं नहीं आप तो कहते थे रोज मेरे पास कार है, जरा अपनी कार ले आओ। मैं मोबाइल को कार मानता हूं प्रतिदिन, तो मुझे एक बात बताओ रात को एक बज रहा ये कार का काम कर देगा क्या? अरे हाँ आप कर दो भैया। ये माता जी रो रही, मेरे घर क्यों रो रही? कहले बेटा फेल हो गया। मैं मंदिर जाती हूँ, बोले हाँ। जल चढ़ाती, बोले हाँ खूब चढ़ाती। जल चढ़ाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ, व्रत रखती हूँ, त्योहार मनाती हूँ, ऐसा कौन सा काम है धर्म में जो नहीं करती? सब करती हूँ। मैंने कहा भगवान, बोले भगवान को खूब मानती हूँ। मैं पकड़ लिया उसका सर। मैं फिर रोने की जरूरत नहीं, बोले क्यों? मैंने कहा भगवान को जानती है या मानती है ये बता दे। माता जी कह रहे हैं बेटे जानती तो नहीं, सच बात तो ये बता, मानती हूँ। मैंने कहा मानने से सब हो जाता है? बोले हाँ मेरे तो सब काम हो गए मानने से। तो मैंने कहा ये भी मान ले थोड़ी देर को, काय को रो दी के बेटा पास हो गया, मान ले। बात आपकी समझ में नहीं आई शायद। वो रो रही मेरा बेटा फेल हो गया। तो मैंने कहा तेरा जब मानने से सब काम चल जाता तो ये भी मान ले बेटा पास हो गया। क्यों जी? एक कहने लगे मेरे बेटे का विवाह करा दे कहीं से, मानने में विश्वास रखती थी। मैंने कहा मान ले बेटे का विवाह हो गया। कैसे मान लो? ऐसे मान ले जैसे भगवान को मानती है। मानने से काम नहीं हो सकता भाई, जानना पड़ेगा ना। और अगर नहीं जानने का प्रयास करोगे तो समस्या आएगी। वो क्या काम करते हैं? जब वो 15 दिन होते थे तो वो जाते थे सत्य में, धारणा रखने को श्रद्धा कहते हैं, और श्रद्धा पूर्वक सेवा करने को श्राद्ध कहते हैं। सुन लो, और तर्पण क्या है? जब सेवा करते करते तृप्ति हो जाए, उसको तृप्त मान लिया जाता है तो उनका तर्पण हो गया। दो शब्द जुड़े हैं, एक सेवा और एक शुश्रूषा। शुश्रूषा क्या है? सेवा तो कर लेते हैं फिर भी कुछ लोग, लेकिन शुश्रूषा में विश्वास नहीं रखते। और शुश्रूषा क्या है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं, हम उनके पास बैठ करके कुछ दिन उनके विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। देखो आप किसी को बहुत बढ़िया व्यंजन खिलाओ जो घर में बुजुर्ग है, लेकिन थोड़ी देर बैठ कर उनके पैर पकड़ के पैर दबाओ और उसे कहो कुछ हमें सुनाओ आप। वो जब अपनी बातें सुनाने में उनको आनंद आता है ना, तुम्हारे रसगुल्ले खाने में आनंद नहीं आता। तुम्हारे दुनिया भर के व्यंजन फेल है जो बोलते हैं अंदर से। तो ये काम भी हमें घर में करना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये चातुर्मास हमारा चलता रहा। वो 4 महीने के बाद में 15 दिन वो लौट करके चले जाते थे, लेकिन ये पाखंड में कैसे परिवर्तित हो गया ये सुन लो। हर वर्ष आते थे, मान लो आपके यहाँ पर विद्वान, और आप उनको छाता डंडा कपड़े जूते चप्पल सब देते थे, लेकिन ऐसा विचार करो कि वो उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं आए अगले वर्ष। जब नहीं आए तो परिवार के लोगों ने कहा जी हम तो हर वर्ष लेते थे सामान, श्राद्ध करते थे, अब किसका श्राद्ध करें अर्थात सेवा करें? तो किसी ने सुझा दिया भैया को वहां पे वो आर्य समाज मंदिर है ना, स्त्री आर्य समाज डोगरान में शास्त्री जी रहते हमारे। बोले शास्त्री जी का श्राद्ध कर दो। शास्त्री जी को बुलाया, उनको खिला पिला, वस्त्र आदि दे दी। अब शास्त्री जी के पास से 20 आदमी आ गए अगले दिन के दिन हमारे घर। वो कहां तक जाएंगे? खैर हिसार में समस्या नहीं है, भगवान की कृपा है, आप लोगों के पास बहुत विद्वान है। देखो हमारे बच्चे आप ले आ सकते हैं, कोई नहीं मिलेगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। शास्त्री जी ने कहा भैया सुनो मेरी बात, मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो तो उसका श्राद्ध कर दो। लोगों की समझ में आ गई भैया पड़ोस में एक दादाजी रहते हैं, चलो दादाजी को हमारे घर। दादाजी के पैर छुए, भोजन कराया, और उनको चलते समय प्रदक्षिणा जो कुछ था वो भेंट कर दिया। ठीक है जी, अब दादाजी भी चले, अब पंडित जी आ नहीं सकते। अब समस्या क्या है? अब पंडित जी ने क्या काम किया? अब सब लोग तो विद्वान है नहीं, कुछ पौराणिक विद्वान है, लोग गड़बड़ करते थे। उन्होंने पूछा कि भाई हम तो हर साल श्राद्ध करते थे, पिताजी चले गए, विद्वान का किया, विद्वान नहीं आता तो हमने बुजुर्गों का किया पड़ोस में, अब बुजुर्ग भी नहीं है। और पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, उनके नाम से तो हमें ले जाओ। पहले तो जीवित का चलता रहा, पर उनके नाम से फिर इकट्ठा एक व्यक्ति को बढ़ा दिया गया जिसको सेवा की जरूरत नहीं है, उसको देना शुरू कर, और मामला गड़बड़ हो गया। मैं आप लोगों से कहूं ध्यान दीजिएगा, ये चातुर्मास हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। सुनने सुनाने की परंपरा अगर आप मैं बीच में रखूं आपके, तो आप 7 दिन बैठ के कथा सुनिए। अगर मैं आपको सुनाऊं कि सुनने से क्या हुआ, यहां परमपिता परमात्मा की कृपा से जब ऋषियों के पास वेद का ज्ञान आया और उन्होंने उसको बांटना शुरू किया,
तो लिपि का आविष्कार, जो लिपि है ना जिसमें शब्द हैं, अक्षर हैं, इसका आविष्कार बहुत बाद में हुआ है, बहुत बाद में। इस लिपि से पहले हमारी पूरी व्यवस्था सुनने से चलती रही। अच्छा आपको बताऊं, जो सुनने में रह, जो सुन लेता है वो फायदे में रहता है, जो जी सुनने वाला फायदे में रहता है, सुनाने वाला, सुनने वाला। जोर से बोलो, सुनने वाला। तो आप लोग सुनते हो, पर कमाल की बात यह है जब कहीं गड़बड़ हो जाए मामला तो चुप नहीं होता, कोई पे बोलते जाओ। पर मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्री जी बता रहे हैं कि सुनने वाला भी लाभ में रहता है, सुनाने वाला भी लाभ में। लेकिन भैया लाभ में तब रहोगे जब सुनाने वाला ठीक को सुनाएगा और सुनने वाला भी ठीक सुनेगा। और मैं बैठ कर के हम उलट पुलट बातें गाली उतार देना शुरू कर तो सुनोगे क्या? नहीं। शायद ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, क्योंकि इस समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा है और बिजली वाले भी पता नहीं उनको पता चल गया क्या मेरे बारे में बैठा है। चलो कोई बात नहीं, कोई किला सिखवा नहीं, क्योंकि कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, पर अनायास सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि जो बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी है, चूँकि एक घंटे का समय आप लोगों ने मुझे दिया वो दौड़ रहा है, आप लोग घड़ी देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है कि अपने आप ही फिर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि मैं साहित्य हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य हिंदी में मैंने पढ़ा था शास्त्री जी कि अतिक्रमण से बचना चाहिए, अतिक्रमण करोगे तो आक्रमण होगा, आक्रमण में फिर तोड़फोड़ होगी और तोड़फोड़ में नुकसान होगा, तो नुकसान से बचना तो अतिक्रमण से बचो। मैं समय का अतिक्रमण करूँगा तो समस्या पैदा होगी, इसलिए आओ बस केवल चंद लाइनें कह करके मैं वाणी को विराम की तरफ लेके चलूँगा, फिर कल जैसी व्यवस्था होगी आपके बीच में उपस्थित होंगे। कुछ विषय अगर ऐसे हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं तो शास्त्री जी को इंगित कर दें और हमें बता दिया जाए, उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि कई विषय हमारे ऐसे जिनमें हमने शोध किया है, जैसे संसार की सृष्टि उत्पत्ति विषय, इसको सामान्य व्यक्ति जन साधारण तक कैसे पहुँचाया जा सके, उन विषयों को प्रयास करेंगे किस दिन आपके बीच में रखा जाए। तो आओ बस चंद लाइन आप लोग गाइए मेरे साथ में, चूंकि आपको याद होंगी, सुनी सुनाई लाइनें अच्छा लगेगा। ये भावना बना ले अरे मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना करना है आज कर ले, बज जाए कब नगाड़ा तेरा चला चली जा, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी, परहित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, परहित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, धन धाम सब लौटाया अपना स्वदेश के हित, आया मत कर बुरा किसी
किंचित न डग मगाना निश्चित लगन पे अपनी मंजिल पे चलते जाना मन में कभी न लाना एहसास बेवसी का ये भावना आप सबने धैर्य पूर्वक सुना, सबका धन्यवाद करते हैं। कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें अपने अभिनोदेशक माध्यम से सुनने के विषय में बताया कि हमें किन चीज़ों को सुनना चाहिए और क्या क्या बातें बताई, और अंत में कहा कि भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। हमें अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो दुनिया में हर किसी का भला सोचना, देखो तो सोचने में तो कुछ जाता नहीं है, तो हम अच्छा ही सोचें, जितना भी सोचें अच्छा सोचें, लेकिन हमारी सबकी मनस्थिति ऐसी हो गई है कि हम अच्छा सोचने के स्थान पर दूसरे का गलत सोचते हैं, और उसी में जब हम गलत सोचते हैं तो उसका तो गलत पता नहीं, हमारा ही गलत हो जाता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के चर्चार्थ करते हुए हमें अपने जीवन को रखना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।